ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम परमपिता परमात्मा से पुराने संस्कार और पुरानी दुनिया से इच्छाओं को कैसे अलग करें ताकि हम सदा के लिए संतुष्ट रहें और हमारे अंदर उत्तेजनाएं ना फिर से जागृत हों, जिस कारण से हम कभी संतुष्ट महसूस नहीं कर पाते। कभी अहंकार की उत्तेजना, कभी हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, कभी हमारे अंदर लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है। और परमात्मा कहते हैं कि ये सारे लालच, लोभ और ये उत्तेजना जो है वही आपको असंतुष्ट बनाती है। सिचुएशन असंतुष्ट नहीं बनाती, हमारे अंदर की कमजोरियां हमें असंतुष्ट बनाती हैं। जगह असंतुष्ट नहीं बनाती है, हम अंदर से खुश नहीं है इसलिए हम असंतुष्ट रहते हैं। तो देखें परमात्मा पिता समझाते क्या इसमें। बाबा कहते हैं, पुराने संस्कार और संसार की आकर्षण से जीते जी मरने वाले। जो पुराना संसार है, पुराना संसार मतलब क्या होगा, हम तो देखते हैं टेक्नोलॉजी नहीं निकल रही है, फिर परमात्मा इसको पुराना संसार क्यों बोल रहे हैं। परमात्मा कहते हैं टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ रही है, साइंस आगे बढ़ रही है, लेकिन इंसान के अंदर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, काम वासना, ये सारी चीज़ें घट रही नहीं, ये बढ़ रही हैं। तो दुनिया में टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ गई, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य आत्माएं गिर रही हैं, वो किसी को सुख देने वाली बन नहीं रही हैं, वो भौतिक सुखों से अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। खान पान हो गया, सुख के साधन हो गए, लेकिन अंदर से वो कभी सुखी नहीं हो पा रही है। तो क्या हो गया, संसार क्या हो गया, पुराना हो गया। एक समय पर संसार था ऐसा जहाँ पर सुख था, इतने भौतिक सुख नहीं थे लेकिन सुख था, आत्मा संतुष्ट थी, आत्मा एक दूसरे से प्यार से बात करती थी, एक दूसरे से अच्छे से रहते थे। लेकिन आज वो सब कुछ नहीं, आज वैल्यूज़ नहीं है, मॉरल्स नहीं है, आज परमात्मा कहते हैं इंसान के अंदर गुण नहीं है, शक्तियां नहीं है सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो पुराना संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले, यथार्थ मर जीवा भवा, सच्चे सच्चे मर जीवा जीवन जी रहे हैं। हम फिजिकल बॉडी में जी रहे हैं, लेकिन दुनिया से इच्छाएं, मनुष्य से इच्छाओं को हमने मार दिया। तो विस्तार में चलें, यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना, कि स्वप्न में भी इच्छा ना आए कि आपको आए कि कल ये लूंगी, कल वो खरीदूंगा, कल ये खाऊंगा, कल वो पीऊंगा, कल उससे ये बात करूंगा, कल उससे प्यार से बात करूंगा, कल शायद से मुझे प्यार करे, इच्छा रखना कि वो मुझे प्यार करे, वो जो मुझे रिस्पेक्ट दे, कल मैंने इतनी मेहनत करी, मैं कहूंगा उनको जा करके कि मैंने इतना काम किया, आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मुझे तो बुलाया भी नहीं, आपने मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया, आपने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी। परमात्मा कहते हैं उन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ। तो मरना माना परिवर्तन होना, मरना माना परिवर्तन होना। ये इच्छाएं आप जी रहे हो लेकिन इच्छाएं आपके अंदर ख़त्म हो जाएं, आप परिवर्तन हो जाओ, आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बन जाओ। फिर बाबा कहते हैं उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती, ना कोई चीज, ना कोई व्यक्ति, ना किसी व्यक्ति के अच्छे संस्कार वाहवा करने वाले, ना कोई वस्तु उनको आकर्षित कर सकती है, ना ही कोई पोस्ट पोजीशन उनको आकर्षित कर सकती है, मतलब उतने ताकतवर है, कोई उनको लालच में नहीं ला सकता। वे कभी नहीं कह सकते कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, चाहते नहीं थे सिचुएशन ऐसी थी लेकिन मुख से निकल गया, क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, हमें बोलना तो नहीं चाहते थे लेकिन हमने दुख दे दिया, किसी को दुखी बना दिया, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि उनके अंदर इच्छा ही नहीं होगी कि कोई आपकी बात माने, कोई आपके अनुसार चले, कोई आपके कहने पर चले, आप जैसे कहें वैसे ही घर चले, उनके अंदर ये भी इच्छाएँ नहीं होंगी, इसलिए वो सदा तृप्त रहेंगे और उनके मुख से कुछ गलत निकलेगा ही नहीं। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। आज तो अहंकार खत्म किया, क्रोध खत्म किया, बिल्कुल आज बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन अचानक से क्या होगा, कोई बात हुई, कोई सिचुएशन आई, आपको कोई इच्छा थी लेकिन वो पूर्ण नहीं हुई और फिर से अंदर क्या हो गया, मर तो गए थे लेकिन फिर से जिंदा हो गए, फिर से क्रोध आ गया, क्यों, क्या, ऐसे क्यों कर दिया, उसने क्यों बोल दिया, क्यों, क्या, कैसे, कब कहा, कि क्यों लग जाती है, मतलब लाइन लग जाती है। तो परमात्मा कहते हैं वो मरे हुए होते हैं, क्रोध खत्म हो गया होता है थोड़ा सा, फिर से जागृत कर देते हैं अंदर, इच्छाएँ नहीं होती, क्यों, पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया की जो आत्माएँ हैं जो थक गई हैं, जिनके अंदर गुण नहीं अवगुण है, उनसे हम इच्छा रखते हैं, तो फिर क्या होते हैं, क्यों, क्या, कैसे हो जाता है और क्रोध आ जाता है फिर से। फिर बाबा कहते हैं कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सर खत्म करते, मतलब कि क्रोध के ऊपर जीत पा ली, तो दूसरा आ जाता, अहंकार आ गया कि मेरे अंदर क्रोध नहीं है, अहंकार आ गया, सुनिएगा, अहंकार आ गया कि मेरे अंदर क्रोध नहीं है, क्या आ गया, अहंकार आ गया।
तो परमात्मा कहते हैं ये भी क्या है, अहंकार है। तो एक सर तो दबा लेकिन एक सर ज्यादा ऊपर आ गया। फिर बाबा कहते हैं लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म, लेकिन क्या करो, फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। रूप बदल करके क्या खत्म करना है, इस दुनिया से इच्छाएं खत्म कर दो। क्यों, क्या, कैसे, उसने क्यों नहीं माना, वो उसको समझाया, इतना समझाया फिर भी उसने ऐसे क्यों किया, क्यों, क्या, कैसे खत्म कर देना है। कंट्रोल नहीं करना है, हमारी बुद्धि को हजार दिशाओं में नहीं भेज देना है। हम जब पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कलयुग को हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप से परफेक्ट बने, दुनिया को परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें। हम परफेक्ट बन जाएंगे तो हमारे लिए दुनिया परफेक्ट बन जाएगी। परमात्मा चाहते हैं कि हम इस तरीके से चलें। अगर हम कंट्रोल करेंगे तो आज इंसान क्या करता है, क्रोध करता है, तबाही करता है, कंट्रोल करने की जब कोशिश करता है, और उस कारण से अशांति फैलती है और दुनिया और अशांत होती है। तो आज का ये ईश्वरी वरदान, इसमें अगर आपको और विद्या लेनी है और समझना है तो आप साप्ताहिक कोर्स करें ब्रह्म कुमारी में जाकर के, जहाँ और आपको डिटेल्स में इन्हीं चीज़ों के बारे में आस्ते आस्ते एक एक दिन बताया जाएगा। इसके साथ ओम शांति।